हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप लिख दिया हूँ, क्लियर। इससे पहले हम लोग एसआर लैच और एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर अभी तक आप एसआर लैच और एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप एसआर लैच और एसआर फ्लिप फ्लॉप को पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको आगे के फ्लिप फ्लॉप अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। क्योंकि किसी एक फ्लिप फ्लॉप की कमी को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के द्वारा क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो जो आपको कमी पता ही नहीं रहेगा तो फिर अगला फ्लिप फ्लॉप कैसे समझेंगे। अब जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में कल कमी थी उसको आज हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप से करेंगे, दूर करेंगे। तो वो कमी क्या थी, इसके लिए आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप को देखना होगा, उस कमी को ढूंढना होगा क्या कमी थी और कैसे दूर होगा, वो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो जितने भी लेक्चर हैं उनको सीरीज वाइज देखते हुए चलिए। ओके, अब देखिए कल जब हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे तो कुछ ऐसा उसका करैक्टरिस्टिक टेबल आया था, ठीक। देखिए आप अधिकतर बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप ट्रुथ टेबल देख रहे होंगे, इसको कह रहा होगा कि ये ट्रुथ टेबल है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट का ट्रुथ टेबल होता है और जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसका करैक्टरिस्टिक टेबल होता है, ठीक, क्लियर। जब भी हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट यूज करेंगे तो वहाँ पर ट्रुथ टेबल वर्ड नहीं यूज करते हैं, वहाँ पर करैक्टरिस्टिक वर्ड यूज करते हैं, करैक्टरिस्टिक टेबल यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखिए कल ऐसा हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल बनाए थे, ठीक। अब देखिए कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस पर ज़्यादा चीज़ डिस्कस नहीं किया था। वहाँ पे एक चीज़ आपको कुछ यहाँ बताना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे अलग अलग बुक देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे लिखा होगा Qn+1 और यहाँ पे Qn+1 लिखा होगा और इसको Qn ऐसे कह दे रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे नो चेंजर, मतलब इसको भी आप Qn कह सकते हैं या एन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कह सकता है, ठीक। तो ऐसे अलग अलग बुक में आप देख रहे होंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ये Qn+1 क्या बता रहा है, प्रेजेंट आउटपुट, और जो Qn है ये क्या बता रहा है, प्रीवियस आउटपुट, क्लियर। ये जो Qn है ये सब क्या बता रहे हैं आपके, ये जो Qn और Qn बार हैं ये प्रीवियस आउटपुट हैं, और Qn+1 और Q bar n+1 जो है ये प्रेजेंट आउटपुट, ठीक। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर आप कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें इसको लिखा होगा Qt+1, Qn+1 को Qt+1 लिखा होगा और Q bar n+1 को Qt+1 bar लिखा होगा और इसको Qt करके लिख दिया होगा, तो उससे भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। ये Qt मतलब क्या, जो किसी टाइम t पर हम लोग आउटपुट था, और ये T+1 टाइम पर आउटपुट, मतलब ये क्या हो गया, प्रीवियस आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आउटपुट, ठीक। तो ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इतना चीज़ क्लियर। अब कि जब कल हम लोग क्लॉक वगैरह लगा के अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप को तैयार किए थे तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहला दिक्कत ये था कि जब हम लोग का क्लॉक क्या था, हाई था, और उस दरमियान दोनों इनपुट जब हम लोग के हाई थे, आर और एस दोनों हाई था, तो यहां क्या मिल रहा था हम लोग को, इनवैलिड केस मिल जा रहा था। क्या मिल जा रहा था, इनवैलिड केस या इनडिटरमिनेट केस हम लोग को मिल रहा था, ठीक। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की कमी थी। साथ ही साथ जब दोनों इनपुट क्या थे आपके, 0-0 थे, इस टाइम आउटपुट क्या हो रहा था आपका, स्टोर हो रहा था, मतलब नो चेंज के कंडीशन आ रहे थे, ठीक। तो इसमें कमी क्या है कि अगर दोनों इनपुट क्या है, इक्वल है आपके, अगर 1-1 है तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक, और 0-0 है तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट को शो करने लग रहा है, ठीक। तो ये सब कमियां क्या किया जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा दूर किया जाएगा, ठीक। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप की कमी है कि जब इनपुट क्या है, सेम है, तो अगर 0-0 है तो वो क्या कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट शो कर रहा है, और अगर 1-1 है तो वो क्या कर रहा है, इनवैलिड कंडीशन चला जा रहा है। तो इस कमी को हम लोग डीप फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब देखिए इसके कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कमी को हम लोग दूर करने के लिए जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट थे उनको आपस में एक नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे और वहां से एक सिंगल इनपुट निकाल लेंगे, ठीक। इस चीज को देखिए यहां पर बनाया गया है, ठीक। यहां पर इसके इधर देखिए क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है, कल आप पढ़े थे, ठीक। अब देखिए क्या किया गया है, इसके इनपुट को आपस में नॉट गेट से कनेक्ट करके एक सिंगल इनपुट निकाल लिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहें, डी कहें, ठीक।
कल आप याद करिए, कल जब हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाए थे तो ऊपर आर और नीचे क्या लिखे थे, यस लिखे थे, ठीक। लेकिन आज कुछ हम लोग इसमें चेंजेस लाएंगे। क्या चेंज होगा, ऊपर हम लोग क्या करेंगे यस लिखेंगे, ऊपर हम लोग क्या करेंगे यस लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे आर लिखेंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग यस को क्या देंगे, डायरेक्ट इनपुट देंगे और आर को उसका कंप्लीमेंट इनपुट देंगे। बात समझ में आ रहा है, कल हम लोग ऊपर आर और नीचे यस लिखे थे, क्लियर। आज हम लोग ऊपर यस और नीचे आर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यस को डायरेक्ट इनपुट देंगे और आर को उस इनपुट का कंप्लीमेंट, मतलब जो यस का को देंगे डायरेक्ट, उसके कंप्लीमेंट को हम लोग क्या करेंगे आर पर अप्लाई करेंगे। इस वजह से आज मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ। क्या चीज़ क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, आज इसको इस तरह लिख दिए, ओके क्लियर। अब देखिए उसके लिए आपको चेंज क्या करना होगा, कल जब आप फ्लिप फ्लॉप देखे होंगे तो जब यस नीचे था तो उसके सामने क्या था, क्यू बार था, और आर ऊपर था तो उसके सामने क्या था, क्यू था, ठीक। तो अब जब आर आज नीचे है तो इसके सामने क्या रहेगा, क्यू रहेगा, और जब यस ऊपर है तो इसके सामने क्या रहेगा, क्यू बार रहेगा। बस ये आपको चेंज करना होगा, अगर ये आप चेंज नहीं करेंगे तो आउटपुट आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो कल सर्किट बनाए थे उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस वजह से आपको ये चेंज लाने होंगे, जैसे हम लोग आर को यस और यस को आर करेंगे तुरंत ये आउटपुट चेंज करना होगा, ठीक। और जो लैच हम लोग बनाए थे आपको याद होगा, ऐसे लैच भी हम लोग क्या किए थे, बनाए थे, ठीक, ऐसे लैच बनाए थे, क्लियर। तो इसके इनपुट को यहाँ पे और इसके इनपुट को यहाँ पे लाए थे, इसको ऐसे आर यस करके बनाए थे, इसको क्यू और इसको क्यू बार लिखे थे, ठीक। तो जब क्या करेंगे, नीचे आर और ऊपर यस लिखेंगे तो इसको क्या करना होगा, क्यू बार, और इसको क्या करना होगा, क्यू बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसका जो करेक्टरिस्टिक टेबल था उसको बना के रखिएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। तो इस वजह से हम लोग को ऐसा चेंजेस इसमें लाने पड़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, यस पे हम लोग डायरेक्ट एक इनपुट दे देंगे और आर पे उसका क्या होगा, कंप्लीमेंटेड इनपुट आ जाएगा, ठीक। और जो इनपुट होगा उसको एक सिंगल इनपुट डी के थ्रू क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक। तो डी पे अगर जीरो रहेगा तो यस पे जीरो जाएगा, आर पे वन जाएगा। डी पे अगर वन रहेगा तो यस पे वन जाएगा, आर पे क्या होगा, जीरो जाएगा। इसका मतलब इस केस में कभी भी दोनों इनपुट आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और जब ये दोनों इनपुट आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये जो इक्वल इनपुट वाला जो प्रॉब्लम था वो क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। इक्वल इनपुट वाला प्रॉब्लम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इससे साल हो जाएगा, क्लियर है चीज। साथ से साथ देखिए हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को दोनों इनपुट क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। दोनों इनपुट देखिए क्या है, कंप्लीमेंट चाहिए, ठीक। तो अब दो इनपुट को यूज करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल इनपुट यूज कर लेंगे, उसी से दो कंप्लीमेंट इनपुट क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये भी फायदा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये दोनों इनपुट क्या है, कंप्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक। इसी पर हम लोग को आउटपुट ये मिल रहा है, क्लियर। तो दो इनपुट देने से अच्छा देने के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल इनपुट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट गेट यूज कर लेंगे। इस सिंगल इनपुट को कंप्लीमेंट फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ये इसका फायदा है, ठीक। अब साथ ही साथ देखिए, जब यहाँ ऊपर आर किए हैं, सॉरी ऊपर यस किए हैं, नीचे आर किए हैं, तो इस टू टेबल को भी थोड़ा सा बदलना होगा, ठीक। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे यस लिखना होगा, और जहाँ पे यस है वहाँ पे क्या होगा, आर लिखना होगा, इतना चीज क्लियर। और जहाँ पे क्यू एन प्लस वन है वहाँ पे क्यू एन प्लस बार लिखना होगा, और यहाँ पे क्या करना होगा, क्यू एन लिखना होगा, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब जब यस जीरो होगा तो आउटपुट हम लोग क्यू एन प्लस वन को देखते हैं, ये क्या होगा, जीरो होगा, मतलब हम लोग का फ्लिप फ्लॉप सेट में रहेगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग का यस, ये देखिए ये भी चेंज हो जाएगा ना, जब ये Q जीरो है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू यस जीरो है और R क्या है, वन है, तो ये आउटपुट जो हम लोग का जीरो और क्यू एन बार क्यू एन प्लस वन बार वन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग का रीसेट कंडीशन में चला जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का रीसेट कंडीशन हो जाएगा, ओके रीसेट कंडीशन। और फिर जब इसको चेंज किया तो ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यस वन है ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग का सेट कंडीशन हो जाएगा। ये चेंजेज इसमें लाने होंगे, क्लियर। अब देखिए जो वहाँ पे सेट और रीसेट लिखा गया है उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल मैं बता दिया था कि अगर आउटपुट हम लोग का जीरो मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीसेट कंडीशन कहते हैं, और अगर आउटपुट हम लोग का वन मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कंडीशन कहते हैं, ठीक। इसी रीसेट को क्लियर भी लिखा जाता है, ओके। तो वहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, अगर आउटपुट जीरो रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रीसेट, और आउटपुट वन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सेट। चूंकि हम लोग पहले इसको क्यू एन प्लस वन बार
कहे थे, इस वजह से आउटपुट हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख रहे थे क्योंकि ये क्यू एन प्लस वन था। लेकिन जब हम लोग चेंज किए हैं यस को आर से और आर को यस से रिप्लेस किए हैं तो ये भी क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट को देखेंगे। ठीक, तो इसको रिसेट कर दिए, इसको सेट कर दिए, बाकी सब कुछ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। ठीक, अब ये जो चेंजेस करवाए हैं यहाँ पे आपसे, ये बुक वगैरह हमें डायरेक्ट ऐसे लिख देता है लेकिन उसको गलत माना जाएगा। ठीक, इस वजह से इस चीज को कहीं आप जरूर नोट करिएगा कि जब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर ये सेम गेट लगा हुआ है तो ठीक, अगर ये गेट लगा हुआ और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर रहे हैं तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक, बुक में क्या किया, डायरेक्ट उसी को क्यू लिख दिया, इसके जगह आपको क्यू मिल जाएगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्यू डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को क्या करना होगा, वन को स्टोर करना होगा। अगर हम लोग को वन स्टोर करना है तो इसके इनपुट पर क्या देना होगा, वन देना होगा। अगर इसके इनपुट पर वन देंगे तो वन को क्या करेगा, स्टोर किया रहेगा। अगर इसमें क्या करना है, जीरो रखना है तो इसके इनपुट वो क्या करेंगे, जीरो देंगे, तो ये क्या होगा, जीरो को स्टोर करेगा। ठीक, तो जो इसके इनपुट वो देंगे वही इसके आउटपुट पे क्या करेगा, यहाँ पे ये दे देगा और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग का जो डेटा है उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक, इसी वजह से इसको हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप या इसी को आगे भी देखिएगा डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक, तो वहीं से डी लिया गया है। ठीक, ये क्या कर रहा है, वन बिट डेटा को यहाँ देखिए जो जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर ले रहा है, स्टोर कर दे रहा है। अगर वन देना है तो वन स्टोर कर रहा है, जीरो देना है तो जीरो को स्टोर कर ले रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और देखिए क्या होगा, जब इनपुट हम देंगे तो कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके कुछ देर बाद ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। ठीक, इसी वजह से इसको हम लोग डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक, तो आगे अभी चीज को मैं लिखवा दूंगा। ओके, अब चलिए इसको देखते हैं क्या क्या इसका फंक्शनिंग होगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर जो इनपुट हम लोग का वो या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, और जो क्लॉक है वो या तो जीरो या तो वन हो सकता है। ओके, तो चलिए पहले क्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, वन पे सेट कर ले रहे हैं। क्लॉक को क्या कर रहे हैं, वन पे सेट कर ले रहे हैं। ठीक, अब जब क्लॉक को वन पे क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, और इनपुट क्या कर रहे हैं, डी को जीरो दे रहे हैं। ठीक, चलिए यहां पे लिखते हैं, डी जीरो है और जो क्लॉक है उसको क्या किए हैं, वन पे सेट कर लिए हैं। ठीक, क्लॉक को वन पे और डी क्या है, जीरो है। तो यहां से देखिए क्या होगा, जब डी को जीरो देंगे तो यस पे क्या होगा, डायरेक्ट जाएगा जीरो, और आर पे क्या होगा, वन आएगा। अब क्लॉक वन पे है तो यहां वन गया तो यहां भी वन जाएगा, यहां भी वन जाएगा। अब ये एक एंड गेट है, ये एक दूसरा एंड गेट है। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों एंड गेट है, मतलब इतना जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीयरिंग गेट कहते हैं। क्यों स्टीयरिंग गेट कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, इस एसआर लैच को क्या करेगा, इनपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक, जैसे हम लोग के शरीर में आत्मा है, आत्मा के बिना हम लोग का शरीर यूजलेस है, वैसे ही जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो लैच के बिना क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं। ठीक, और ये जो लैच है, जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इस लैच को काम करने के लिए इनपुट कुछ चाहिए। ठीक, तो इनपुट क्या कर रहा है, ये जो हम लोग के दोनों एंड गेट है ये क्या कर रहा है, इसको प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टीयरिंग गेट कहेंगे। ठीक, कल भी इस चीज को बताया था। ओके, अब देखिए क्या होगा, जब पहले वाले एंड गेट पे क्या है, एक इनपुट जीरो है एक वन है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां पे दोनों वन वन है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए आप क्या पढ़े पीछे, कि अगर नार गेट का कोई एक इनपुट वन रहता है, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये आउटपुट अगर जीरो हो गया तो ये यहां पे जीरो जाएगा, दोनों जीरो जीरो मिला के इसको क्या कर देंगे, वन कर देंगे। इतना चीज कल आप पढ़े थे। ठीक, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, हम लोग इसको जीरो दिए थे, यह क्या कर दे रहा है, जीरो को स्टोर कर ले रहा है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कि अगर जीरो स्टोर कराना है तो इसके इनपुट पर क्या करेंगे, जीरो देंगे, वो जीरो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ये देखिए इसकी ब्यूटी है, इस डीप फ्लिप फ्लॉप की, कि जीरो स्टोर कराना है तो जीरो को देंगे, जीरो को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। इसका मतलब जो क्यू है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, जीरो, और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हम लोग का वन हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या करने चल रहे हैं, अब देखिए जो ब्लू कलर से लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको चलना है वन करने, इसको चलना है वन करने, तो इसको वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्लॉक पल्स जो है अभी भी वन पे क्या किए, सेट किए हुए हैं, तो इस पे दोनों देखिए क्या है, वन वन है, तो ये आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और इस पे एक इनपुट जीरो है तो इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जब नार गेट रहता है तो उसके वन वाले इनपुट पे फोकस करते हैं, तो इसका इनपुट देखिए यहाँ पे वन है। इसका मतलब क्या होगा, नार गेट का अगर एक इनपुट वन है तो उसका आउटपुट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक, अब इस जीरो को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेके चले आएंगे, ये जीरो जीरो आएगा, दोनों इनपुट क्या है इसके, जीरो है, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग को वन स्टोर करना है तो यहां क्या करेंगे, इसके इनपुट में वन देंगे। देखिए ये
क्या कर रहा है, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। जो चीज़ स्टोर करना है वो इसको इनपुट दे रहा है। मान लीजिए 1 स्टोर था, इसको हटा देना है, इसको क्लियर कर देना है, 0 दे देंगे क्या होगा, 0 दे देगा मतलब मेमोरी को रीसेट कर देगा। ओके, तो ये देखिए क्या मिल रहा है कि अगर क्लॉक 1 है, डी क्या है 1, डी क्या है 1 है, तो आउटपुट भी क्या होगा 1 मिलेगा, और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 2 केस हो गया, एक इनपुट के 2 पासवर्ड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो इनपुट या तो 0 हो सकता है या तो 1। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला याद है ना, तो 2 के पावर 1 मतलब क्या 2, तो 2 पासवर्ड कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखिए क्या है, अब क्लॉक हम लोग का 0 भी हो सकता है, तो जब क्लॉक हम लोग का 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी इनपुट हम लोग दें जब क्लॉक ये 0 है तो इस दोनों पे क्या करेगा 0 बनाए रखेगा। जब क्लॉक यहाँ 0 कर देंगे दोनों पे 0 रहेगा, तो R और S का कोई वैल्यू हो मतलब D पे हम कोई इनपुट दें वो क्या देगा, क्लॉक को 0 होने की वजह से दोनों केस में क्या देगा 0 0 ही देगा, दोनों केस में क्या करेगा 0 0 ही देगा। ठीक, अब देखिए क्या है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये नार गेट डिसीजन ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा ये अपने प्रीवियस आउटपुट पे जाएगा। ठीक, तब देखिए यहाँ से क्या है, 1 मिला था प्रीवियस आउटपुट, तो इस 1 को क्या करेंगे यहाँ पे भेजेंगे। तब देखिए इस नार गेट का 1, चलिए ब्लू से ही लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 प्रीवियस स्टेट में ही मिला था हम लोग को, यहाँ वाला देखिए, तो इस 1 को यहाँ पे भेजे, तो अब ये 0 और 1 मिला के क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक, क्योंकि नार गेट का कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या कर देगा 0 कर देगा, और अगर ये 0 हम लोग फिर यहाँ पर लाएंगे तो 0 0 मिल के क्या कर देगा इसको 1 कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लॉक हम लोग का 0 है और इनपुट डी क्या है हम लोग का कुछ भी है, तो क्या हो जा रहा है जो प्रीवियस स्टेट था वही क्या हो रहा है स्टोर हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा नो चेंज वाला कंडीशन होगा, नो चेंज वाला कंडीशन होगा। क्लियर, नो चेंज वाला कंडीशन होगा। ओके, तो ये तो मैं यहाँ पूरा आपको अच्छे से करके इसके हेल्प से बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट उस टेबल से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही आप क्या करिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यस आपका 0 आ रहा है, R1 आ रहा है, जैसे ही यस आपका 0 आ रहा है, R1 आ रहा है, तुरंत इसके रिजल्ट को लिख दीजिए, आउटपुट क्या होगा 0 होगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो देखिए क्या है, जब यहाँ पे यस क्या है 0, यस 0 कब आएगा जब डी 0 रहेगा, तो जब डी 0 रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चूंकि मैं कल RS वाला टेबल बनाया था, इसमें सोचा इसको एक बार अच्छे से बता दूं। ओके, तो आप SR वाले टेबल से भी समझ सकते हैं इसको, या यहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, कल R इधर और S उधर था, तो वो टेबल था, तो इस वजह से आज मैं सोचा यहाँ से आपको बताता हूँ। ओके, अब देखिए क्या है, जो हम लोग का यहाँ पे यस क्या है 1 है और ये क्या है 0 है, तो यस 1 कब होगा, डी 1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक, और जब डी 1 है तो क्या हो रहा है, आउटपुट 1 है और कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 है, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जब 1 होगा 0 होगा, तो आउटपुट 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक, डायरेक्ट, तब देखिए यहां से पता क्या चल रहा है, यहां से हम लोग को यह पता चल रहा है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है उस पे जो इनपुट देंगे वही क्या होगा आउटपुट मिलेगा, और जब क्लॉक क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, तो कोई भी इनपुट दीजिए नो चेंज होगा, मतलब प्रीवियस स्टेट की मेमोरी को स्टोर करके रखेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग को डी फ्लिप फ्लॉप में डेटा को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक को 0 कर देंगे तो डेटा को स्टोर कर लेगा। जैसे ये हम लोग को 0 1 मिला था, इसको स्टोर करना था, तो क्लॉक पर क्या किया 0 कर दिए, तो क्या किया 0 1 स्टोर करके रख लिया। क्लियर, तो अगर हम लोग को डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, तो क्लॉक पल्स को 0 कर दीजिए, कोई भी इनपुट दीजिए प्रीवियस डेटा को क्या करेगा स्टोर करके रखेगा। ये देखिए करैक्टरिस्टिक टेबल मैं यहां पे बना दिया हूं, ये क्या है इनपुट है, ये क्या आपका आउटपुट है, यहां देखिए क्लॉक है, यहां डी है। ठीक, जब 0 रहेगा कोई भी इनपुट दीजिए नो चेंज अभी हम लोग देखे हैं, और जब 1 0 मतलब क्लॉक 1 पे सेट रहा है, ये 0 देंगे 0 देगा, 1 यहां पे 1 क्लॉक 1 पे है, इसको 1 देंगे तो 1 देगा, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको स्टोर करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको 1 GB का क्या करना है, मेमोरी बनाना है। ठीक, 1 GB का क्या करना है आपको, मेमोरी बनाना है। इस चीज को समझिए कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, इसको समझिए कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप लोग को 1 GB मतलब 1 GB का मेमोरी बनाना है। ठीक, अब 1 GB में होगा क्या, 1 GB में 10^9 बाइट होगा, 1 बाइट में होता क्या है 8 बिट होता है। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे आप, ऐसे क्या किए आप, यहाँ पे 8 पार्ट ले लिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इधर ले लिए। ठीक, अब क्या करना हम लोग को, 1 GB का मेमोरी बनाना है, 1 GB में 10^9 क्या होता है बाइट होता है, 1 बाइट में क्या होता है 8 बिट होगा। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे,
यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग को इसमें वन, इसमें जीरो, वन जीरो, वन वन जीरो, वन ऐसे क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक, हर एक बिट में क्या करना है, ऐसे डेटा स्टोर करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, उसके थ्रू इनपुट यहाँ पे वन देंगे तो वन स्टोर कर लेगा, जीरो देंगे जीरो कर लेगा, ऐसे क्या करेगा जो इनपुट देंगे उसको स्टोर कर लेगा। और जो क्लॉक पल्स रहेगा सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो क्लॉक पल्स रहेगा सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो किसके बराबर रहेगा, एक के बराबर रहेगा। ठीक, जब क्लॉक पल्स एक रहता तभी ना जो इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है। तो हम देखिए क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जो डेटा देंगे स्टोर हो जाएगा। मतलब वन स्टोर करना वन देंगे, जीरो करना है जीरो देंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ऐसे एक बिट बन गया। ठीक, इसी ऐसे ही जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 1 GB के मेमोरी को बना लेते हैं। क्लियर, ये देखिए यहाँ क्या है, एक बाइट में जो आपका है ना 8 बिट है। ठीक, यहाँ क्या है 10 के पावर क्या है 9 बाइट है। तो 10 के पावर 9 बाइट, ऐसे क्या करें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या होगा, 1 GB जो होगा मेमोरी बन जाएगा। ऐसे आपको कई सारे क्या करेंगे अरेंजमेंट करके जोड़ने होंगे, तो ऐसे क्या किया जाएगा 1 GB का मेमोरी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये सब कंप्यूटर के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्लियर, अब देखिए अगर आपके बुक में ऐसा कहीं मिल जाए इस आउटपुट को क्या करें Qn+1 और यहाँ Qn+1 बार लिख दे, और इसको क्या करें ऐसे Qn और यहाँ पे क्या करें Qn बार लिख दे, तो आपको कन्फ्यूजन ना आए। दिस मीन्स व्हाट, ये क्या आपका प्रेजेंट, सॉरी ये क्या आपका पास्ट आउटपुट है और ये क्या है प्रेजेंट आउटपुट बता रहा है। या आपके बुक में ऐसे मिल सकता है, यहाँ Qt+1 मिल सकता है, यहाँ Qt+1 बार मिल सकता है, यहाँ पे Qt लिख के मिल सकता है, यहाँ पे Qt बार। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस मीन्स व्हाट, ये किसी टाइम टी पे मतलब प्रीवियस आउटपुट था, ये T+1 मतलब क्या है प्रेजेंट आउटपुट को हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये बाद वाला आउटपुट है, ये पहले वाला आउटपुट था। ठीक, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना चीज क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, देखिए जो 2 लाइन शुरू का है ये क्या है लिमिटेशन लिखा गया है। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं कि द लिमिटेशंस ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप आर। SR फ्लिप फ्लॉप का क्या क्या लिमिटेशन था, पहला लिमिटेशन ये था कि टू स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी नीड टू सप्लाई द वैल्यूज ऑफ 2 डेटा इनपुट यस एंड आर। ठीक, SR फ्लिप फ्लॉप का पहला कमी ये था कि अगर हम लोग को 1 बिट डेटा स्टोर करना है तो उसमें 2 इनपुट हम लोग को देना पड़ता था, यस और आर। दूसरा इसका कमी क्या था, द फॉरबिडन कंडीशन, मतलब जब यस आर जो दोनों थे वो 1 के इक्वल होते थे इस टाइम पे जो आउटपुट था वो अनसर्टेन था, इनवैलिड आउटपुट मिलता था। ठीक, तो ये दोनों कमियां थी। अब इन दोनों कमियों को डी फ्लिप फ्लॉप द्वारा क्या किया गया, दूर किया गया। तो देखिए क्या लिखे हैं, द अबव टू लिमिटेशंस कर दीजिए, 2 है ना, द अबव टू लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम बाय मेकिंग SR कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर की 2 लिमिटेशन है उनको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं यस और आर को आपस में कंप्लीमेंट्री करके। ठीक, कैसे अभी देखिएगा इस चीज को, पीछे अभी समझे भी हैं आप। ठीक, एंड दिस मॉडिफाइड SR फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज डी फ्लिप फ्लॉप। और जब हम लोग यस और आर को आपस में कंप्लीमेंट्री कर देंगे तो जो मॉडिफाइड SR फ्लिप फ्लॉप तैयार होगा उसको हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। ठीक, फिर देखिए लिखा गया कि द फिगर फर्स्ट शो द लॉजिक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एंड फिगर सेकेंड शोज द लॉजिक सिंबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये देखिए क्या है लॉजिक, क्या है आपका ये जो है लॉजिक डायग्राम है डी फ्लिप फ्लॉप का, ये देखिए कंप्लीमेंट किया गया है, इसको हम लोग पीछे अच्छे समझे ही हैं, और ये क्या उसका लॉजिक सिंबल है। ओके, तो ये दोनों आप बना लीजिए कॉपी में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल यहाँ पे लिखा गया। ठीक, अब ये कैसे काम करेगा उसको मैं लिखवा देता हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को जो पीछे समझे थे उसको कैसे एग्जाम में लिख कराना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले एक लाइन में यहाँ पर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज शोन बिलो। जो डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसको ये लाइन लिख के आप बना लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप क्यू क्यू बार लिखिए, चाहे क्यू एन बार लिखिए, चाहे Qt+1 और Qt+1 बाल लिखे, ये आपके ऊपर है, हर एक तरीका बता दिया, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके ऑपरेशन को क्या लिखे हैं, ऑपरेशन लिखे हैं कि वेन एवर क्लॉक 0 रहेगा द सर्किट रिमेंस लैच एंड आउटपुट क्यू रिमेंस अनचेंज। ठीक, लिखे हैं कि जब भी क्लॉक क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, जो सर्किट रहेगा वो लैच कंडीशन रहेगा, और जो आउटपुट क्यू होगा वो क्या रहेगा अनचेंज रहेगा। ठीक, देखिए लैच में होता क्या है, कल बताए थे सिटकनी कुछ समझे ना, दरवाजे पीछे सिटकनी वगैरह लगता है। ठीक, तो दरवाजे का सिटकनी जब आप लगा देते तो क्या होता है,
होता है, जो रूम के अंदर है वो रूम के अंदर रहेगा, जो रूम के बाहर है वो रूम के बाहर रहेगा, ठीक। तो वैसे कंडीशन यहाँ पे भी है, अगर हम लोग का क्लॉक जीरो रहेगा तो सर्किट हम लोग का लैच रहेगा, मतलब जो कुछ ही पहले से है वही कंडीशन बना रहेगा। जैसे आप रूम में सिटनी लगा दिए तो जो कंडीशन पहले से रहेगा वही रहेगा, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो ऐसे सर्किट के साथ भी अगर लैच में है तो जो कुछ ही पहले से क्यू का वैल्यू है वही वैल्यू क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो वही लिखा गया है क्यू रिमेंस अनचेंज, ओके। फिर देखिए क्या लिखा गया, बट वेन क्लॉक इक्वल टू वन, और जब क्लॉक वन हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू डी, उस टाइम क्यू क्या होगा, डी के बराबर होगा। दैट इज इफ क्यू गोज लो, मतलब अगर क्यू, दैट इज इफ डी गोज लो, अगर डी क्या होगा, लो होगा, मतलब जीरो पर जाएगा, क्यू आल्सो बिकम्स लो, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, एंड वेन डी गोज हाई, और जब डी क्या होगा, वन होगा, क्यू आल्सो बिकम्स हाई, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस चीज को पीछे हम लोग समझ लिए थे जीरो वाले कंडीशन को, ये सब भी समझे थे, डी जीरो आउटपुट जीरो, डी वन आउटपुट वन, ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब देखिए क्या लिखे हैं, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज डिलेड एंड हेंस द नेम डिले डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए क्या है, जो हम लोग इनपुट यहाँ देंगे वो आउटपुट में जाने में क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगा, कुछ टाइम और लगेगा, डिलेड होगा, इस वजह से इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या करते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप, उसी को डी को आगे का यूज किया जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, ओके। साथ ही साथ ये भी देखिए, यहाँ पर जो ये सर्किट है, जो लैच है, ये क्या कर रहा है, जो कुछ भी इनपुट है इसको क्या कर दे रहा है, आउटपुट दे दे रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लैच है ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए, इनपुट डेटा के लिए, ठीक, मतलब जो कुछ भी डेटा है उसको डायरेक्ट यहां पे क्या कर दे रहा है, वही डेटा दे दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि बीच का मीडियम क्या ट्रांसपेरेंट है, ठीक। अगर मान लीजिए क्या है, दरवाजा आपका बंद है और दरवाजा क्या ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर और जो बाहर रहेगा क्या होगा, दिखेगा, ठीक, यही कंडीशन है, अंदर बाहर कब दिखेंगे, जब दरवाजा क्या ट्रांसपेरेंट है, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो लैच है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तभी ना जो इनपुट हम दे रहे हैं वही आउटपुट में क्या हो रहा है, दिख जा रहा है, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, दिस डी बिकम्स दिस सॉरी दिस डी फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। इस डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, बिकॉज इन डी फ्लिप फ्लॉप लैच इज ट्रांसपेरेंट टू डेटा इनपुट, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो लैच होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी डेटा इनपुट आएगा वही आउटपुट में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक। तो इनपुट डेटा के लिए ट्रांसपेरेंट का काम करता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहेंगे। जैसे आपका दरवाजा अगर घर का ट्रांसपेरेंट है, जो कुछ बाहर रहेगा अंदर दिखेगा, अंदर का बाहर दिखेगा, वैसे यहाँ पर भी है, ये डेटा जो दे रहे हैं वही यहाँ दिख रहा है, या उधर से देखेंगे तब भी क्या होगा, वही दिखेगा, बात समझ में आ रहा है ना, इधर से देखेंगे तो ये डी दिखेगा और उधर से देखेंगे तो ये क्यू दिखेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, ठीक, और ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये जो लैच है ये क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट लैच की तरह क्या कर रहा है, यहाँ पे बिहेव कर रहा है, किसके लिए, इनपुट डेटा के लिए, तभी ना जो यहाँ पे है वो हमको यहाँ दिख जा रहा है, या उधर से अगर देखें तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा, क्लियर। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे, ओके। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर से आप कुछ सीखे हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है, ओके। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए और वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, आपके फीडबैक से एनर्जी मिलता है, जिससे अगले वीडियो को और एनर्जेटिक होकर बनाया जाता है, ओके। अगर कोई कमियां हैं तो उस कमी को बताइए, उसको भी क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।